हे गाइस, दिस इज कुमार आनंद एंड वेलकम यू आर टू 23.5 डिग्रीज। ये मेरे इंग्लिश वोकैबुलरी सीरीज का छठा पार्ट है। इस सीरीज के हर वीडियो में हम चार नए वर्ड्स के बारे में जानते हैं। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट। टुडेज फर्स्ट वर्ड इज जुडिशियस। जुडिशियस, अगर हम मतलब को देखें तो जुडिशियस का मतलब होता है शोइंग इंटेलिजेंस एंड गुड जजमेंट। यानी अगर आप कोई भी डिसीजन लेते हो, आपका कोई भी एक्शन यानी जो भी काम करते हो आप, वो एक विवेकपूर्ण तरीके से आप करते हो, यानी पूरी समझदारी के साथ सोच समझ कर सारे पॉसिबल कंसिक्वेंसेस को ध्यान में रखते हुए, सारे ऑप्शंस को ध्यान में रखते हुए एक मैच्योर तरीके से अगर आप कोई डिसीजन लेते हो, देन यू आर अ जुडिशियस पर्सन। क्लियर है? आप उचित, चतुर, न्यायसम्मत, विवेकपूर्ण, समझदार, कोई भी वर्ड बोल सकते हो एज द मीनिंग ऑफ जुडिशियस। नाउ कमिंग टू द सिनोनिम्स। अगर हम सिनोनिमस वर्ड्स की बात करें तो आप डिस्क्रिमिनेटिंग यूज़ कर सकते हो, प्रूडेंट यूज़ कर सकते हो, वेल एडवाइज्ड यूज़ कर सकते हो। इन सब का मीनिंग ऑलमोस्ट सिमिलर होता है टू द मीनिंग ऑफ जुडिशियस। नाउ कमिंग टू द एंटोनिम्स। वैसे वर्ड्स जिनका मीनिंग जुडिशियस की मीनिंग के अपोजिट है, आप यूज़ कर सकते हो इनडिस्क्रिट, इम्प्रूडेंट, इनजुडिशियस, अनवाइज। इन सारे वर्ड्स का जो मतलब होता है वो उल्टा होता है जुडिशियस के मतलब के। यूजर्स देखते हैं, गांधी जी वॉज अ वेरी जुडिशियस पर्सन। यानी गांधी जी एक विवेकी व्यक्ति थे, यानी उनका जो भी स्टेप होता था, जो भी वो काम करते थे, ठीक है, वो सारा कुछ सोच समझ कर एक वेल प्लान तरीके से होता था। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंसेस, अ गुड टीचर नोज हाउ टू गिव जुडिशियस क्रिटिसिज्म एज वेल एज प्रेज। यानी एक अच्छे शिक्षक को पता होता है कि किस तरह से आलोचना करनी है और किस तरह से तारीफ करनी है। यानी उसका उसकी आलोचना और उसकी तारीफ, इस सेंटेंस में बोलना यह चाह रहा है कि उसकी आलोचना और उसकी तारीफ दोनों ही स्टूडेंट के लिए फायदेमंद होती है। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट एग्जांपल, बिकॉज ऑफ द डॉक्टर्स एक्सपीरियंस ही वॉज अ जुडिशियस फेलो हु वॉज वेल रिस्पेक्टेड बाई हिज कलीग्स। यानी कि डॉक्टर्स के एक्सपीरियंस के कारण वो उसे एक जुडिशियस फेलो के रूप में जाना जाता था और उसका उसकी रिस्पेक्ट की जाती थी बाई हिज कलीग्स, यानी उसके सहकर्मियों के द्वारा। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट सेंटेंस, When it comes to choosing friends, be very judicious and choose wisely. यानी मित्रों को चुनते वक्त, फ्रेंड्स को चुनते वक्त काफ़ी जुडिशियस रहिए, काफ़ी समझदारी का यूज़ कीजिए, काफ़ी विवेकपूर्ण तरीके से अपनी चतुराई का यूज़ करते हुए आप मित्रों को चुनिए। Our next word is lament. Lament मतलब देखते हैं, to express sadness and feeling sorry about something. यानी किसी भी चीज़ को लेकर अगर आप regretful हो, sad हो यानी दुखी हो, रो रहे हो या शोक कर रहे हो या विलाप कर रहे हो, तो उसे हम कहेंगे lament. अगर हम सिनोनिमस वर्ड्स की बात करें तो हम वेल यूज़ कर सकते हैं, मोन यूज़ कर सकते हैं, ग्लूम यूज़ कर सकते हैं। ये सभी सिनोनिमस वर्ड्स है लैमेंट के, यानी इनकी मीनिंग सिमिलर है टू द मीनिंग ऑफ लैमेंट। हिंदी में देखो, विलाप करना, शोक करना, रोना, दुखी होना। नाउ कमिंग टू द एंटोनिम्स। एंटोनिम्स वैसे वर्ड्स है जिनकी मीनिंग अपोजिट है ऑफ द मीनिंग ऑफ लैमेंट। तो हम रिजॉइस यूज़ कर सकते हैं एज एन एंटोनिम, अप्रूव यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, कमिंग टू द यूजेस, द फर्स्ट सेंटेंस इज मियर लैमेंटिंग ओवर करप्शन इज नॉट गोइंग टू रिमूव इट। यानी भ्रष्टाचार पर सिर्फ रोने से भ्रष्टाचार नहीं खत्म होगा। ठीक है, भ्रष्टाचार पर सिर्फ दुखी होने से, रोने से, इसे क्रिटिसाइज करने से भ्रष्टाचार नहीं खत्म होगा। नेक्स्ट सेंटेंस इज देयर पिटिफुल लैमेंट्स कुड बी हर्ड थ्रू आउट द वर्ल्ड। यानी कि उनका जो विलाप था, उनका जो शोक था, उसे पूरे वर्ल्ड में सुना जा सकता था। द नेक्स्ट सेंटेंस इज इट इज़ कस्टमरी टू कंपोज लैमेंट्स ओवर द डेथ ऑफ एन इंपॉर्टेंट पर्सन। यानी एक महत्वपूर्ण व्यक्ति के निधन पर, एक महत्वपूर्ण व्यक्ति की मृत्यु पर शोक गीत लिखना एक रिवाज की तरह है, यानी कि एक कॉमन प्रैक्टिस की चीज़ है, नॉर्मली ऐसा होता है। ठीक है, देखो लैमेंट्स मतलब शोक करना, दुखी होना, रोना, ये सब तो होता ही है। लैमेंट्स का मतलब कई बार शोक गीत को भी हम लैमेंट्स ही कहते हैं। ठीक है, यानी जो वर्सेस लिखे जाते हैं, जो सॉन्ग्स लिखे जाते हैं शोक को प्रकट करने के लिए, उन्हें भी हम लैमेंट्स ही कहते हैं। आर नेक्स्ट वर्ड इज जियोपडी। जियोपडी मतलब देखते हैं, इन डेंजर ऑफ बींग डैमेज्ड और डिस्ट्रॉयड। यानी कोई भी चीज़ अगर खतरे में है, जोखिम में है, संकट में है, तो उसे हम जियोपडी कहेंगे। क्लियर है? अगर हम सिनोनिमस वर्ड्स की बात करें तो हम डेंजर यूज़ कर सकते हैं, हैजर्ड यूज़ कर सकते हैं, मिनेस यूज़ कर सकते हैं, पेरिल, रिस्क या थ्रेट यूज़ कर सकते हैं एज सिनोनिमस वर्ड्स ऑफ जियोपडी। यानी इनकी मीनिंग सिमिलर होती है टू द मीनिंग ऑफ द मीनिंग ऑफ जियोपडी। नाउ कमिंग टू द एंटोनिम्स, हम डिफेंस यूज़ कर सकते हैं, प्रोटेक्शन, सेफ्टी या सिक्योरिटी, ऐसे वर्ड्स। ये सारे वर्ड्स की जो मीनिंग है ये लगभग अपोजिट है ऑफ द मीनिंग ऑफ जेपर्डी। नाउ कमिंग टू द यूजेस, द सोल्जर्स हैव पुट देयर ओन लाइव्स इन जेपर्डी फॉर द कंट्री। यानी जो सोल्जर है उन्होंने अपने जान को खतरे में डाला है, अपने जान को जोखिम में डाला है अपने देश के लिए। सेकेंड सेंटेंसेस, केदार जाधव शोल्डर इंजुरी पुट हिज वर्ल्ड कप पार्टिसिपेशन इन जेपर्डी।
यानी कि केदार यादव का जो कंधे केदार यादव के कंधे की चोट ने उनके वर्ल्ड कप में पार्टिसिपेशन को खतरे में डाल दिया है। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंसेस, द लाइव्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ बर्ड्स आर इन जियोपर्डी एज अ रिजल्ट ऑफ द ऑयल स्पिल, यानी हजारों पंछियों का जो जान है वो खतरे में पड़ चुका है ऑयल स्पिल के कारण। देखो इस सेंटेंस पे ज़्यादा डीप में तो नहीं जाएंगे, ऑयल स्पिल शायद आपको ना समझ में आए। ऑयल स्पिल यानी कि कई बार क्या होता है, ऑयल को एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसपोर्ट करते वक्त समंदर में या इवन रिवर्स में ऑयल स्पिल हो जाता है, यानी जो तेल है वो छितर जाता है, समंदर में गिर जाता है। ठीक है, और ये इससे पंछियों को काफ़ी ज़्यादा पक्षियों के लिए ये बहुत ज़्यादा डेंजरस होता है उनकी जान के लिए। कैसे होता है दैट इज़ बियॉन्ड द स्कोप ऑफ दिस वीडियो, तो वो आप सेपरेटली कहीं देख सकते हो। और नेक्स्ट वर्ड इज जंबल। जंबल मतलब देखते हैं, एन अनटाइडी एंड कन्फ्यूज मिक्सचर ऑफ थिंग्स फीलिंग्स और आइडियाज़, यानी जब चीज़ों का बिल्कुल हॉच पॉच बना हुआ हो, बिल्कुल कन्फ्यूज स्टेट में सारी चीज़ें हो, अगर आप आइडियाज़ की बात करें तो अ मिक्सचर ऑफ आइडियाज़ हो, कोई यू नो वेल डिफाइंड आइडिया नहीं है आपके मन में, अगर आप फीलिंग्स की बात करें तो अ मिक्सचर ऑफ फीलिंग्स हो। ठीक है, एक कन्फ्यूज स्टेट हो, यानी कोई ऑर्डर वाला स्टेट नहीं है, एक बिल्कुल डिसऑर्डर्ड स्टेट है, तो उसे हम कहेंगे जंबल। जैसे इस इमेज में आप देखो, यहाँ पर वेल ऑर्डर बिल्कुल ऑर्डर में सारे लेटर्स है WORND, बट यहाँ पे ये सारे लेटर्स जंबल्ड है, एक कंफ्यूज स्टेट में है। ठीक है, डिसऑर्डर्ड स्टेट में है, क्लियर है? आप कह सकते हो अस्त व्यस्तता, खिचड़ी, दैट मीन्स मिक्सचर ऑफ थिंग्स इन अ कंफ्यूज वे, उसे हम कह रहे हैं खिचड़ी, खाने वाली खिचड़ी मत समझना, गड़बड़ी, क्लियर है? अगर हम सिनोनिमस वर्ड्स की बात करें, यानी वैसे वर्ड्स की बात करें जिनकी मीनिंग ऑलमोस्ट सिमिलर है टू द मीनिंग ऑफ जंबल, तो हम मिस यूज कर सकते हैं, डिसऑर्डर्ड यूज कर सकते हैं, मर्डर यूज कर सकते हैं, फरागो यूज कर सकते हैं, कन्फ्यूजन यूज कर सकते हैं, मेस, डिसऑर्डर्ड, मर्डर, फरागो एंड कन्फ्यूजन, ये सारे वर्ड्स सिनोनिमस वर्ड है जंबल के। नाउ कमिंग टू द एंटोनिम्स, एंटोनिम्स यानी वैसे वर्ड्स जिनकी मीनिंग अपोजिट है ऑफ द मीनिंग ऑफ जंबल, तो हम क्लियर यूज कर सकते हैं, स्ट्रेट फॉरवर्ड यूज कर सकते हैं, सिक्वेंशियल यूज कर सकते हैं, ऑर्डर, अरेंज, एट्सेट्रा। कमिंग टू द यूजेस, ही जंबल्ड अप द वर्ड्स वाइल गिविंग अ स्पीच, यानी कि उसने शब्दों को मिला दिया, मिक्स कर दिया जब वो भाषण दे रहा था, यानी कि हो सकता है जो पहले बोलना हो उसे बाद में बोल दिया, क्लियर है? बिल्कुल मेस बना दिया, शब्दों को बिल्कुल मिला दिया, यानी कि स्पीच को खराब कर दिया। द नेक्स्ट सेंटेंस इज मोस्ट बॉयज लीव देयर थिंग्स इन अ मेसी जंबल, यानी अधिकांश बॉयज जो होते हैं वो अपनी चीज़ों को बिल्कुल मेसी जंबल, अपनी चीज़ों का बिल्कुल मेसी जंबल बना कर रखते हैं, यानी उन्हें डिसऑर्डर्ड स्टेट में इधर उधर फेंक करके रखते हैं अपने रूम में, क्लियर है? कोई ऑर्डर नहीं होता उसका।